एक बार वो खुद जब लाठी जब से तो न्यायपालिका में सबको न्याय का अधिकार है और जो वहाँ से आदेश हो उसका पालन करने का अधिकार है। फिर हमारे साथ में अन्याय ये हो रहा है, बरेली में BDA द्वारा बताया गया 2700 ऐसी निर्माण हैं जो गिराने हैं और आज से नहीं दसवीं साल से चले आ रहे हैं और अपने यहाँ नगर निगम की जगह पर BDA जगह पर कितनी जगह निर्माण हो रखा है, ये तो किसी के पर्सनल ज़मीन है लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में चले भी गए हैं, विंटर वेकेशन होने के बावजूद भी हमें वहाँ सफलता नहीं मिली। तो हमने इनसे टाइम मांगा, हमने 20 तारीख तक का हमें समय दिया जाए जिससे हम अपनी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कह सकें और नहीं होगा तो आपको जो करना है BDA का जो आदेश है वो पालन हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें समय नहीं दिया गया। सबसे बड़ी समस्या ये है, अन्याय तो निरंतर ही हो रहा है क्योंकि चलो हमसे ये कह दिया कि मकान गिरा देना BDA, हमने कहा अब हमें 15 दिन का समय दे दो कहीं हम मकान शिफ्ट कर लें, हम कहीं दूसरे का किराए पर मकान देख लें, हमारे पास और कोई व्यवस्था भी नहीं है, परिवार बड़ा है, 14-15 लोग हैं, शाम को भोजन की व्यवस्था हम लोग कहाँ करेंगे, कहाँ सोएंगे इतनी ठंड में, मतलब हमारे सामने साथ में कोई मानवता का तो किसी तरह से कोई रोल हुआ ही नहीं, ऐसा लगा कि दानव आ गए हैं और हम देवताओं से टूट पड़े हैं। मतलब गाय सुबह से दो बार इन्हें अभी चारा मिल सकता था, अभी तक इन्हें पानी नहीं हम पिला पाए हैं, हमारे घर में चाय से अलावा किसी को भी कुछ मिला नहीं है। आपने गौशाला में कितनी गायें हैं? गौशाला में लगभग छोटे बड़े तो करीब 35-40 हैं। उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया? क्षतिग्रस्त सब कुछ किया गया, आप देख लें यहाँ वो हो रहा है, हमारी देश की सरकार गरीबों को मकान मुहैया करा रही है। गौशाला तक को गौशाला संतों के यहाँ करवाए, ये जो निर्माण गिराया जाना है अभी बाउंड्री गिराई गई है, ये माननीय उच्च न्यायालय आदेश किया जा रहा है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इन्हीं को कहा था, ये हाई कोर्ट में गए थे और इनको कहा था कि 4 सप्ताह में अपने खर्चे पर स्वयं हटा लें अन्यथा BDA गिराएगा। तो 4 सप्ताह 25 दिसंबर बीत गया था, इसके बाद इनको नोटिस 2 बार गई और इनको कहा गया कि आप गिरा लें, नहीं गिरा लें। तमाम शहर में और भी इस तरह के भवन बने हुए हैं, उसके पीछे क्या, उसको लेके क्या कार्रवाई करेंगे आगे? नहीं, भवन तो बने हैं जिसमें हाई कोर्ट का डायरेक्शन हो जाएगा तो उसमें हमारी व्यवस्था होगी, उसमें हम गिराएंगे। आज गौशाला का निर्माण ध्वस्त हो रहा है BDA की तरफ से, क्या कहना है आपका? देखिए मेरी राय इसमें कुछ भिन्न प्रकार की है, इस मौसम में किसी को भी मानवीय आधार पर घर बेघर करना, जहाँ सरकार घर मुहैया करा रही है गरीबों के लिए निराश्रितों के लिए, वहाँ किसी को घर से निकालना एकदम अमानवीय है। जो जिनका ये है गौड़ साहब का, वो करीब 35 गौओं को अपने पास रखे हुए हैं, उनका पालन कर रहे हैं, किसी प्रकार का उससे वो बेनिफिट लाभ नहीं लेते, दूध वगैरह बेचते नहीं हैं और उनके परिवार में भी छोटे बड़े कम से कम 15 सदस्य हैं जिनमें कोई बच्चे भी हैं। ऐसी ठंड में जहाँ स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है ठंड की कारण, उस समय में किसी को घर से निकालना एक बहुत ही शोचनीय मामला है और इसको मौसम को देखते हुए ना ही जानवरों को और ना ही मनुष्यों को बच्चों को कोई ऐसा इस तरह से बेघर नहीं करना चाहिए। अगर केस तो कई वर्ष शायद चलते हो गए हैं और मुझे पता चला है और नोटिस वगैरह भी दिए गए हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई ध्वस्त करने की है वो उसके लिए जो मौसम चुना गया है वो मौसम बहुत ही कठिन है, इसलिए कम से कम मानवीय आधार पर
हैं, जहां एक मान राष्ट्रपति द्वारा एक कत्ल करने वाले को, मर्डर करने वाले को माफ़ करने की भी नियम हैं, बने हुए हैं, वहाँ यहाँ कोई इस तरह की घटना नहीं है। यहाँ तो अपना पेट पालन और गायों का पेट पालन, उनकी व्यवस्था चल रही है, उसमें थोड़ा बहुत समय और दिया जा सकता है, और अच्छा मौसम आने पर इस कार्रवाई को दोबारा उस समय किया जा सकता है।